ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं और जो एज पर लॉ हम इस तरह के जख्मी होते हैं आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुंचा दें। इलाज इंशाल्लाह ताला इनका फ्री में होगा और जो भी बेस्ट डॉक्टर लाहौर में जहां भी अवेलेबल है वो हम बुला रहे हैं और इनको अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी सबको बेस्ट फैसिलिटी देंगे इंशाल्लाह। बताइएगा कि गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, इस सिलसिले में आपने नोटिफिकेशन भी जारी की है पंजाब भर के अंदर सेक्टरीज और जो मिनिस्टर्स हैं ड्यूटी करेंगे, इस वक्त पंजाब की मजमू सूरत हाल क्या है आइंदा इलाहे अमल के लिए? नहीं, आज अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। हर सेक्टरी जो है 8 सेक्टरीज हैं जो एक एक जोन वासा का खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात भी रात 12-1 बजे तक वहीं पर रहे, आज सुबह से भी वो लोग वहीं पे हैं और मिनिस्टर जो हैं कुछ अपने अपने इलाकों को उनको डिवीजन अलॉट कर दिए हैं, चले गए। 3-4 मिनिस्टर्स यहाँ पे रहेंगे, बाकी सारे बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर में चले गए। ऑलरेडी सुबह सुबह रवाना हो चुके हैं वो लोग भी और मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि अगर नॉर्मल बारिश हो रही है तो कहीं लोगों को प्रॉब्लम ना आए। आपने कल एक तरीकी कारनामा किया, पानी निकल गया सारा, लेकिन अभी एक बहुत हाई लेवल का थ्रेट जो आ रहा है फ्लड वार्निंग का और जिसमें जेलम रावी सतलुज और पीडीएम ने इसका जो है वो हाई लेवल का जो है वो थ्रेट जारी किया है, तो अब जो है वो आप इन जो जहाँ मुतासर होंगे उस फ्लड से तो वहाँ पे क्या इंतजाम जो है वो आप करने जा रहे हैं और कितना फंड जो है वो नुजला को देंगे जो जो दरिया रावी सतलुज जेलम और ऑलरेडी डी सी और कमिश्नर ने उस पर काम शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने ऑलरेडी एक मीटिंग ले ली है उसके ऊपर, फुल फ्लैज जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर काम शुरू कर दिया है। कमिश्नर लॉर रावी के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी जो कमिश्नर और डीसीज हैं वो अपने अपने इलाके के जोन में काम कर रहे हैं। सीएम सर, ये है मेरा, एक तो अद्वियात जो है और महंगी भी होगी, उस हवाले से आप लोग कोई इकदाम उठा रहे हैं? दूसरा ये कि आप ये आटा स्कीम का 20 अरब रुपए के खर्च के इल्जाम लगाए थे शेर अहमद अब्बासी साहब ने, इंक्वायरी भी हुई, नैब भी केस गया, तो क्या लोगों की निशानदेही की गई है उसमें? पहली बात ये दवाइयों वाली बात जो है फेडरल गवर्नमेंट का टॉपिक है, दूसरी बात है नैब भी कर रही है और ऑडिटर जनरल भी कर रहे हैं, वो एक दफा रिपोर्ट बना लें, जो जो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। स्टार्ट होने जा रहे हैं जिस तरह का आज ये देखिए मेरी बात सुनिए, यही मसला है कि 4-5 हज़ार लोग जो हैं उनको किधर लेके जाएंगे।